सो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने टू एलिमेंट आइसोट्रोफिक एंटीना के लिए जो कि डी डिस्टेंस पर रखे हुए थे उसके लिए हम लोगों ने पैटर्न को कैलकुलेट किया था कि पैटर्न किस तरीके से होगा और किस तरीके से फॉर्म होगा। तो हम लोगों ने जो ई नेट देखा था दैट वाज इक्वल्स टू ई नेट इज इक्वल्स टू टू ई नॉट कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई दैट वॉज फॉर ब्रॉड साइड। और वहीं अगर हम लोग इंड फायर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो इंड फायर के लिए आ जाएगा ई नेट दैट इज इक्वल्स टू टू ई नॉट साइन ऑफ पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई दैट इज फॉर इंड फायर रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, अब अगर हम लोग ये सोचें कि क्यों ना हम लोग ऐसे एन एलिमेंट के लिए अगर हम लोग ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें कि अगर हमारे पास अच्छा इसके पहले अगर हम लोग ये देखें कि ठीक है ओके अगर ऐसा ना रहे कि हमारे पास कोई एक ऐसा रेडिएशन पैटर्न हो जैसे कि मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जो रेडिएशन पैटर्न सेलेक्ट कर रखा है वो आइसोट्रोफिक रेडिएशन पैटर्न सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर ये जो डी की वैल्यू है ये लैम्डा बाई टू हो और हमारे पास जो रेडिएशन पैटर्न हो दैट इज़ ई नॉट की जगह वो क्या हो जाए वो ई वन दैट इज इक्वल्स टू अगर हम लोग कहें कि ई वन कॉस ई नॉट कॉस फाई है अगर इस तरीके से ओके ई वन इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस फाई तो ई नॉट कॉस फाई इसका मतलब ये होगा कि ये जो कॉस फाई वाला जो रेडिएशन मतलब इसका मतलब ये है कि अब आइसोट्रोफिक नहीं रह गया है आइसोट्रोफिक नहीं रह गया आइसोट्रोफिक नहीं है ठीक है ना दैट इज अ डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न डायरेक्शनल हो गया है। तो अब जब डायरेक्शनल हो जाएगा तो उस केस में ये जो है ओवरऑल रेडिएशन कैसा आएगा तो अगर मैं फिर से अगर इसे बनाऊँ तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस पर दो एंटीना आ एक एंटीना यहाँ पर है एक एंटीना यहाँ पर है अभी आइसोट्रोफिक नहीं है ठीक है दैट इज़ हम लोग ये कहेंगे कि इसका भी रेडिएशन पैटर्न इवन है और इवन है मतलब आइडेंटिकल तो है लेकिन आइसोट्रोफिक नहीं है ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी है ठीक है ना डे डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू डी बाई टू है और ये डिस्टेंस दैट इज़ अगेन डी बाई टू है ठीक है ये हो जाएगा ठीक। तो अब ये जो फार पॉइंट पी पर जो कैलकुलेशन होगा ठीक है ना जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा तो ये जो फार पॉइंट पी पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा तो आप देखोगे कि ई नेट दैट इज इक्वल्स टू टू ई वन कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई आ जाएगा ठीक है। अब अगर यहाँ पर डी की वैल्यू को आप लैम्डा बाई टू सेलेक्ट कर लेते हैं तो ई नेट बताइए क्या आ जाएगा देन नाउ ई नेट दैट विल बिकम टू ई वन कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस पाई आ जाएगा ठीक है टू ई वन कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस पाई आ गया ठीक है ना। अच्छा इसका जो रेडिएशन पैटर्न हम लोग ने निकाला था इसका रेडिएशन पैटर्न अगर ये ई नॉट है या फिर ई वन है तो उसके लिए जो रेडिएशन पैटर्न आया था ये इस तरीके से आया था ये आया था ठीक है ब्रॉड साइड में जो रेडिएशन पैटर्न था वो इस तरीके से आया था ठीक है ये वाला ये किसका रेडिएशन पैटर्न था ये था टू ई नॉट कॉस पाई बाई टू कॉस पाई का। अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा है सर कि ये ईवन अपने आप में एक रेडिएशन पैटर्न है मतलब ये आइसोट्रोफिक नहीं है दैट इज़ अ डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस पाई। तो अगर ये ई नॉट कॉस पाई है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है दिस इज वाई एक्सिस तो जब अगर ये ई नॉट कॉस पाई है तो ये देखिए फाइव इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा ये फाइव इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा ये वाई एक्सिस हो जाएगा ठीक है ना ये माइनस एक्स हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस फाइव ठीक है। तो फाइव इक्वल्स टू जीरो पर बताइए क्या आएगा मैक्सिमम ये ई नॉट आएगा और फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव पर ये इधर आएगा फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री पे ये जीरो हो जाएगा ठीक ये इस तरीके से आ जाएगा ओके ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक। तो जो आपके पास ये इंडिविजुअल ईवन का रेडिएशन पैटर्न है लेकिन अगर ये इस तरीके का रेडिएशन पैटर्न ओवरऑल मिलेगा तो हमें ई नेट जो है ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमने ई नेट इज इक्वल टू लिखा हुआ है टू ई वन कॉस ऑफ फाइव बाई टू कॉस फाइव। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बताइए क्या आ जाएगा दिस विल बी टू ई वन ई वन इज इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा टू ई नॉट कॉस फाइव कॉस ऑफ
फाई बाई टू कॉस फाई, ठीक है, इस तरीके से है ये, ओके। अब ये बताइए कि ये जो है दैट इज इक्वल्स टू टू ई नॉट, तो टू इंटू कॉस ए कॉस बी, तो टू इंटू कॉस ए कॉस बी दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ऑफ ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, सो दिस विल बिकम, दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पाई बाई टू कॉस पाई माइनस पाई एंड फिर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस पाई प्लस पाई, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका रेडिएशन पैटर्न बनाना चाहें तो रेडिएशन पैटर्न बनाने का मेथड आपको क्या बताया था, तो सबसे पहले रेडिएशन पैटर्न बनाने के लिए हम लोगों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होगी, तो ई मैक्स बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो ई मैक्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको जज करने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए ये जो इस तरीके का अगर आता है जहाँ पर कि पॉइंट सोर्स जो है वो आइसोट्रोफिक नहीं रह जाता है, तो जो ओवरऑल नेट रेडिएशन पैटर्न होता है, नेट पैटर्न, नेट रेडिएशन पैटर्न ये जो होता है, नेट रेडिएशन पैटर्न दैट इज इक्वल्स टू एरे पैटर्न इनटू, एरे पैटर्न को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इनटू फील्ड पैटर्न ऑफ वन सोर्स, एक सोर्स के फील्ड पैटर्न को हम लोग एरे पैटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो एरे पैटर्न आया है ब्रॉड साइड में वो कुछ इस तरीके से आया है, और जो फील्ड पैटर्न आया है वो कैसा आया है, वो इस तरीके से आया है। तो सर ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है साहब कि नल डायरेक्शन सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, सर ये नल डायरेक्शन है और ये नल डायरेक्शन है, और आपको पता है कि जीरो कुछ से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही रहेगा, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो चाहे इसका जीरो हो या इसका जीरो है, दोनों जो रिजल्टेंट में आएगा वो जीरो ही आएगा, इसका मतलब ये नल की डायरेक्शन जो है, इसका मतलब ये जो नल की डायरेक्शन होगी वो दोनों ही डायरेक्शन में होगी, तो जो नल की डायरेक्शन होगी वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में भी नल प्रेजेंट रहेगा और इस डायरेक्शन में भी नल प्रेजेंट रहेगा, तो इस तरीके से नल जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा, मतलब बिकॉज इसमें तो ये जीरो से कुछ भी यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो से टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल रिजल्ट जीरो, और यहाँ पर भी इस तरीके से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो से, दैट विल रिजल्ट जीरो, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिलेगा, ऐसे यहाँ पर एक रेडिएशन पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा और यहाँ पर एक पैटर्न, ठीक। तो जो नेट रेडिएशन पैटर्न आएगा वो इस तरीके से फ्लावर शेप में आएगा, एक फ्लैट एट है और एक एट है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो जो नेट रेडिएशन पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, बात आई समझ में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैटर्न मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, द फील्ड पैटर्न ऑफ अ नॉन आइसोट्रोफिक पॉइंट सोर्सेज, द फील्ड पैटर्न ऑफ नॉन आइसोट्रोफिक पॉइंट सोर्सेज एरे इज प्रोड्यूस्ड बाय पैटर्न ऑफ एरे ड्यू टू आइसोट्रोफिक सोर्सेज, दैट इज दिस पैटर्न ऑफ एरे ड्यू टू आइसोट्रोफिक सोर्सेज इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ इंडिविजुअल नॉन आइसोट्रोफिक सोर्स पैटर्न, इंडिविजुअल नॉन आइसोट्रोफिक सोर्स पैटर्न, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द पैटर्न मल्टीप्लीकेशन। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, तो कैसे पैटर्न मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये भी हमने देख लिया, बट वी इज द मेथड ऑफ पैटर्न मल्टीप्लीकेशन। पैटर्न मल्टीप्लीकेशन का मेथड यही है कि सर हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो आपका नल का डायरेक्शन है
उससे हम लोग मैक्सिमम नल ऑफ मैक्सिमम नल की डायरेक्शंस बना लेंगे और फिर उसके बाद जो भी है वहाँ पर एक दूसरे से ओवरलैप कर देंगे एक तरीके से। आप कहिए तो इसको और इसको हम लोग ओवरलैप कर दें, ठीक है ना। तो ओवरलैप अगर कर दोगे तो ओवरलैप भी कर दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भैया यहाँ पे तो जीरो हो गया और यहाँ पर ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मैक्सिमम आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इधर मैक्सिमम आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इधर मैक्सिमम आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इधर मैक्सिमम आएगा। तो इस तरीके से फ्लावर शेप रेडिएशन पैटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो हमने स्टडी कर रखा है कि तो इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है कि जो आपका आइसोट्रोफिक या नॉन आइसोट्रोफिक जो सोर्सेज होते हैं, जो नॉन आइसोट्रोफिक सोर्सेज होते हैं एक तरीके से, जो आपका हाफ वेवलेंथ डाइपोल अगर वहाँ पर रख दें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हाफ वेवलेंथ डाइपोल रखने से तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इस चीज़ को देखते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से फिर हम लोग लिखेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप उसे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखिए तो कुछ इस तरीके का आता है हाफ वेव डाइपोल के केस में, दैट इज इक्वल्स टू जे ईटा आई नॉट बाई 2πr कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये आपका आता है। So this is आपका ये हो गया, आपका क्या ये हो गया, आपका रेडिएशन पैटर्न किसके नाते, हाफ वेवलेंथ डाइपोल के नाते, ठीक है। तो हाफ वेवलेंथ डाइपोल के नाते आपका ये रेडिएशन पैटर्न आता है। आप इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको K से लिख सकते हो या KI से लिख सकते हो। सो K will be here ईटा डिवाइडेड बाई 2πr। सो इस तरीके से हम लोग के आई से इसको लिख सकते हैं। सो के आई कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, सो दिस विल बी ई थीटा, ओके। सो अब अगर हम लोग लैम्डा बाई टू लेंथ के हम लोगों ने क्या किया कि भाई 2 लैम्डा बाई 2 एंटीना एलिमेंट इन किस केस में अगर हम लोग रखना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट इन ब्रॉड साइड और इंड फायर। सो दोनों से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने रखा कि ब्रॉड साइड के लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे इन ब्रॉड साइड, ओके। तो ब्रॉड साइड में देखते हैं कि हम लोग कैसे इसे पुट कर सकते हैं, ठीक। तो ब्रॉड साइड में देखिए क्या हो जाएगा। तो अब देखते हैं, दो एंटीनाज हम लोग रख रहे हैं, ये हुआ आपका, ये एक एंटीना हो गया और दूसरा एंटीना ये हो गया। सो दिस विल बी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर हम लोग कैलकुलेशन जो है एक्स वाई में जो कर रहे हैं, ठीक ना, एक्स वाई प्लेन की जगह अगर हम लोग एक्स वाई को अगर हम लोगों ने सिमेट्रिकल मान लिया, हम लोगों ने माना कि नहीं एक्स वाई तो सिमेट्रिकल है भाई, ठीक ना। हम लोग किस में करें, एक्स जेड प्लेन में अगर करते हैं, ठीक है ना, या एक्स वाई प्लेन में ही करें या एक्स जेड प्लेन में करें जिसमें आप चाहोगे, ठीक है ना। तो अगर एक्स जेड प्लेन में करेंगे तो देखिए किस तरीके से चेंजेज आएंगे। तो एक्स जेड प्लेन में करेंगे तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि ऐसा है साहब, ये लैम्डा बाई टू लेंथ का एक एंटीना है और यहाँ पर लैम्डा बाई टू लेंथ का एक एंटीना है। लैम्डा बाई टू लेंथ का एंटीना मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर एक हमने लैम्डा बाई टू लेंथ का एंटीना रखा है, यहाँ पर हमने एक लैम्डा बाई टू लेंथ का एंटीना रखा हुआ है। तो इसके नाते जो ईवन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू के आई, दैट ईवन विल बी इक्वल्स टू के आई कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो दिस विल बी के आई कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा रेडिएशन पैटर्न है इसके नाते। ठीक है, अब अगर हम लोग बहुत ही फार लेंथ के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसलिए आपको लिया एक्स जेड प्लेन इसलिए लिया है ताकि ये जो कैलकुलेशन है ये जेड प्लेन में जा कर के हो सके। बिकॉज अगर हम एक्स वाई प्लेन में पूरी की पूरी स्टडी करेंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर हम एक्स वाई प्लेन में पूरी की पूरी स्टडी करेंगे तो ये फाई एंगल के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो अगर ये फाई एंगल के लिए कैलकुलेट होगा तो पहले तो एक्स वाई प्लेन में ही कर देते हैं, चलिए हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इसे एक्स वाई प्लेन में रखेंगे तो इसके नाते ये इसका हो गया इंडिविजुअल रेडिएशन पैटर्न। ठीक है ना, और जो ब्रॉड साइड के नाते आएगा ई नेट विल बिकम टू ऑफ ईवन कॉस ऑफ, अब कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, पाई डी बाई लैम्डा कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टू ईवन, ईवन विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कॉस फाई बाई टू, सो दिस विल बिकम कॉस के आई कॉस फाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, सो दिस विल बिकम ई नॉट, या फिर आप लिख दीजिए के आई कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, एंड अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा कॉस फाई, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अगर आप करोगे ना तो दोनों के दोनों, आप देखिए ये वाला फाई में जा रहा है और ये वाला थीटा में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये इसको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इसका मतलब जो हम लोग इसका रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो ये फाई वाले में ऐसा दिखाएगा कि सर ये फाई वाले एक्सेस में ये इस तरीके से जाएगा, मतलब फाई वाले एक्सेस में मतलब ये एक्स वाई और जेड प्लेन में इस तरीके से जाएगा, और ये जो है ये आपका एक्स जेड प्लेन में इफेक्ट डालेगा, जो भी इफेक्ट डालेगा ये एक्स जेड प्लेन में डालेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो आपका एक्स जेड प्लेन में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से डाइपोल के केस में आप एक्स जेड प्लेन में फिर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालोगे और फिर देखोगे कि क्या रेडिएशन पैटर्न पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेडिएशन पैटर्न फिर आप मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से निकालोगे कि भैया ये लैम्डा बाई टू लेंथ के लिए जो भी आ रहा है वो कैसा है, बिकॉज ये एक्स जेड प्लेन में आएगा, ये एक्स वाई प्लेन में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप चाहिए तो इसका कैलकुलेट भी कर सकते हो कि भाई कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका रेडिएशन पैटर्न आपका मैक्सिमा कहाँ होगा या मिनिमा कहाँ होगा। ठीक है, वेयर इट विल बी मैक्सिमम एंड वेयर इट विल बी मिनिमम, आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रख रहे हैं तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू बताइए क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम कॉस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई टू, सो दिस विल बिकम वन, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू के लिए दिस विल बिकम वन। सो फॉर पाई बाई टू इफ दिस वन इज जेड एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस, सो इन दिस पर्टिकुलर वी विल गेट मैक्सिमम। ओके, एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो के लिए जाएगा कॉस पाई बाई टू, सो दिस विल बिकम जीरो बाई जीरो, सो दिस विल बिकम इनडेफिनिट। ओके, बिकॉज कॉस जीरो के लिए दिस विल बिकम जीरो, कॉस पाई बाई टू दैट विल बिकम जीरो। ओके, एंड कॉस साइन जीरो दैट विल बी ऑल्सो जीरो, सो दिस विल बिकम जीरो बाई जीरो। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो है आपका, अगर आप चाहिए तो फिर इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा साइन पाई बाई टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ पर आप थीटा इक्वल्स टू जीरो पुट करिए, तो थीटा इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर फिर आपका यह, अब ये क्या आ जाएगा, ये डेफिनेटली फिर से थीटा इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर फिर ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी एक तरीके से मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमा यू विल गेट एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू मतलब कौन सा प्लेन, जेड इज इक्वल्स टू जीरो वाले पर आपको क्या मिलता है, जेड इज इक्वल्स टू जीरो पर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो मिलता है, और एक्स वाई प्लेन में आपको थीटा इज इक्वल्स टू इस तरीके से मिलेगा, मतलब एक तरीके से आप कहोगे तो डम्बल्ड शेप ये होता है, डम्बल्ड शेप द रेडिएशन पैटर्न ऑफ हाफ वेव डाइपोल इज काइंड ऑफ अ डम्बल्ड शेप। ओके,
या फिर आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ एप्पल शेप, ओके। तो इस तरीके से आपका रेडिएशन पैटर्न आता है। तो आप ये देखो कि ये जो रेडिएशन पैटर्न है, इसका कोई भी पोर्शन फाई वाले में नहीं है। जब फाई वाले में नहीं है तो इसका इफेक्ट इस तरीके से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग इसे फाई वाले में कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब अब जो ये हम लोग जो रख रहे हैं इसे एक्स वाई प्लेन में तो रख नहीं रहे हैं, हम लोग इसे किस प्लेन में रख दे रहे हैं, एक्स और वाई में तो रख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में ही रखा हुआ है, लेकिन अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना वो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम लोग कहें कि इसे जेड इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, तो जेड यहाँ पर सॉरी थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो डिग्री होगा और यहाँ पर क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा। सो इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये पैरलर इस तरीके से आएगा, सॉरी दिस विल बिकम पैरलर, ठीक। तो ये पैरलर इस तरीके से हो जाएगा और दिस इज ऑल्सो पैरलर, ठीक। तो ये जो होगा दिस वन विल बी थीटा, सो दिस वन विल बी थीटा, ठीक है। सो अगेन इफ यू विल कैलकुलेट दिस वन इज अ थीटा, सो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, दिस विल बिकम थीटा एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आएगा दिस विल बिकम डी बाई टू, ठीक है, एंड दिस विल बिकम डी बाई टू, ठीक। सो दिस विल बिकम डी बाई टू साइन थीटा एंड अगेन दिस विल ऑल्सो बिकम डी बाई टू साइन थीटा, ओके। सो पाथ डिफरेंस दैट विल बिकम डी बाई टू साइन थीटा, ओके। और दूसरे वाले में जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बिकम माइनस डी बाई टू साइन थीटा, ओके। फिर अगर आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी बाई टू साइन थीटा, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी बाई टू साइन थीटा, ओके। फिर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे ई नॉट ई टू द पावर ऑफ प्लस जे 5 बाई टू, फिर प्लस ई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस जे 5 बाई टू, ओके। दैट विल बी इक्वल्स टू ई नेट, ठीक। ये साइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो भी कैलकुलेशन है किस तरीके से हो रहा है वो अब जेड एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस विल बिकम टू ई नॉट कॉस ऑफ फाइव बाई टू, सो नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन माइनस फाइव बाई टू। सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन हियर ई नेट टू बी टू ई नॉट कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा, ओके। साइन थीटा, ओके। अब अगर हम लोग कहेंगे तो इस तरीके से ये जो है अब ये ई नॉट का हो जाएगा फॉर आइसोट्रोपिक सोर्स, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है वो आइसोट्रोपिक नहीं है, उसके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडिएशन पैटर्न एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ वेव डाइपोल रेडिएशन पैटर्न दैट इज गिवन बाई के आई कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम ओवरऑल, सो नाउ दिस ई नेट विल बिकम टू के आई कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके, इंटू कॉस ऑफ पाई डी बाई लैम्डा साइन थीटा। तो ये रेडिएशन पैटर्न आपका आ सकता है जब आप जेड एक्सिस, आप जो भी प्लेसमेंट है वो एक्स वाई प्लेन में कर रहे हो, ठीक है। और उस एक्स वाई प्लेन में प्लेसमेंट करने के बाद आप जो रेडिएशन पैटर्न है वो आप जेड वाले एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये तो ब्रॉड साइड के केस में हो गया। वहीं अगर इंड फायर के केस में होगा तो इंड फायर वाले केस में ये जो आपका जो भी एंटीनाज हैं इसमें अगर पॉजिटिव करंट हम लोग यहाँ से आई दिखा रहे हैं तो नेगेटिव करंट जो है यहाँ पर आई जो है वो नेगेटिव होगा, दि मीन्स इसका जो फेज होगा वो चेंज होगा, मतलब माइनस 180 डिग्री फेज से पर ये रहेगा। तो अब आपका जो यहाँ पर सारा का सारा कैलकुलेशन तो सेम होगा, बस जो ई नेट होता है यहाँ पर जो कैलकुलेट होता है दैट इज इक्वल्स टू टू ई नॉट
साइन पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई, इससे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। अब देखिए बात ये है, समझने की बात ये है कि ये फिर से वही आएगा और फिर आप इससे के आई कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, यहाँ पर इन आउट को आप इवन से रिप्लेस करके और इस तरीके से करोगे, ठीक है ना। तो फिर ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका जो भी कैलकुलेशन है वो केवल और केवल एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, लेकिन आपका जो एंटीना रखा जाएगा वो केवल और केवल एक्स वाई प्लेन में तो रखा नहीं जाएगा, या जो भी कैलकुलेशन है वो केवल और केवल एक्स वाई प्लेन में तो होगा नहीं। जो कैलकुलेशंस होंगे वो आपके एक्स जेड प्लेन में भी होंगे, तो एक्स जेड प्लेन में जब कैलकुलेशन होगा तो वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, मीन्स वो पोलर एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर जो आपका ई नेट आएगा, दैट इज़ ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टू ई नॉट साइन ऑफ ये जो आपका पाई डी बाई लैम्डा कॉस पाई की जगह जाएगा साइन थीटा, कॉस पाई की जगह क्या जाएगा साइन थीटा, ओके। सो अब आप इसे रिप्लेस करोगे, सो नाउ दिस ई नेट ओवरऑल विल बी दैट इज इक्वल्स टू टू ई नॉट, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम ई नॉट की जगह आप क्या रखोगे के आई, ओके, कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके, एंड साइन पाई डी बाई लैम्डा साइन थीटा। सो नाउ दिस विल बी ई नॉट और ई नेट इन केस कि जब आप सारा का सारा कैलकुलेशन किस एक्सिस पे कर रहे हो, जेड एक्सिस पर कर रहे हो, जेड एक्सिस के अराउंड कर रहे हो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो एरे ऑफ लैम्डा बाई टू लेंथ एलिमेंट फॉर इंडफायर केस और फॉर ब्रॉडसाइड केस। और इस कौन किसी टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैटर्न मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की तरफ से अगर कोई डाउट है तो पूछिए।